हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कैप्सूल। हम आशा करते हैं आपको हमारा चैनल अब तक पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की वजह से हमारा चैनल दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ला रहा है और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है इस बात की। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, होप आप सभी का एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ होगा। जिनका आने वाला है उनको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आपका कमेंट, आपका फीडबैक किसी भी तरह का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमें मेल कर सकते हैं studycapsule15@gmail.com पर, या फिर हमारे फेसबुक पेज पे भी जाके उसको लाइक कर सकते हैं और उस पर कॉमेंट भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/studycapsule। चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला वीडियो है, ये है नो योर कस्टमर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज KYC एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज AML। ठीक है, आप इसके आइकन्स देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, आपने हाल ही में पढ़ा होगा जो मोदी जी ने जो अभी डीमोनेटाइजेशन किया है 8 नवंबर को, तो वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया है। वो क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सब हम आपको, और बैंक जो KYC है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स पूछती है आपको, और ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, जो काला धन होता है, और जो ब्लैक मनी जो लोग यहाँ से वहाँ घुमा रहे, जिनके जो कैश रखते हैं घर पे, तो ये सब के से लड़ने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इस पे काफ़ी सवाल आ सकते हैं क्योंकि हाल ही में एक हॉट और ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूँ एक डेफिनेशन ऑफ अ कस्टमर। ठीक है, तो बैंक के लिए सबसे पहले अगर एक कस्टमर जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कौन होता है जिसे हम एक कस्टमर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको पढ़ के पहला पॉइंट बता देता हूँ। अ पर्सन और एंटिटी दैट मेंटेन्स एन अकाउंट एंड और हैज अ बिजनेस रिलेशनशिप विद द बैंक और बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, तो कोई भी एक पर्सन, एक इंडिविजुअल और एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो जिसको भी बैंक से, वो बैंक में जो अपना अकाउंट में अपने पैसे रखता है, जो ट्रांजैक्शन करता है, जो किसी भी तरह का एक बैंक के साथ रिलेशन रखता है, तो उसको एक पर्सन और उसको एक कस्टमर कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने RBI की वेबसाइट से ही ली है, तो ये टोटली लेजिटिमेट है। ठीक है, आपको ये चीज़ें काफ़ी हद तक पूछी भी जा सकती हैं, कभी कभी पूछी भी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है बेनिफिशियरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज सच एज स्टॉक ब्रोकर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सॉलिसिटर्स एट्सेट्रा एज परमिटेड अंडर द लॉ, एंड any person or entity connected with the financial transaction which can pose significant reputational or other risk to the bank, say a wire transfer or issue of a high demand, high value demand draft as a single transaction. तो दोस्तों, आप जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं, तो स्टॉक ब्रोकर आप कैसे करते हैं, तो आपने अभी शेयर मार्केट में कभी किया होगा, तो आपको उसके लिए एक अकाउंट खोलना पड़ता है। अकाउंट से आपके पैसे जाते हैं, आप स्टॉक्स खरीदते हैं, फिर आप जो बेचते हैं स्टॉक्स, जो शेयर्स बेचते हैं, उनसे जो पैसा आता है वो वापस आपके अकाउंट में जमा हो जाता है। तो वो भी एक रिलेशन हो गया, उसके लिए भी आपको एक अकाउंट खोलना पड़ता है, तो वो भी उस तरीके से भी आप बैंक के कस्टमर हो गए। ठीक है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, सॉलिसिटर्स हो गए, तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं ये भी बैंक के कस्टमर्स होते हैं। या फिर जिनका बैंक अकाउंट नहीं है, जैसे कोई गरीब हो गया, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसका भी बैंक अकाउंट नहीं है पर उसे कोई ट्रांजैक्शन करना है, जैसे एक कोई आदमी है जिसको अपने बच्चे के लिए कॉलेज फी भरनी है या फिर स्कूल की फीस भरनी है, तो वो डिमांड ड्राफ्ट चाहते हैं। तो डिमांड ड्राफ्ट कैसे करते हैं, वो बैंक अकाउंट, बैंक में जाते हैं, पैसे देते हैं, उसका डिमांड ड्राफ्ट लेते हैं, वो जाके स्कूल या कॉलेज में दे देते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट। तो वो डिमांड ड्राफ्ट वो भी करते हैं, तो वो भी बैंक के लिए कस्टमर, उसका अकाउंट नहीं है फिर भी वो बैंक के लिए कस्टमर ही है। ठीक है, तो ये याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताते हैं व्हाट इज KYC, व्हाट इज नो योर कस्टमर। तो KYC आपको पता होगा, बैंक में जब भी आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए वो लोग पूछते हैं, डॉक्यूमेंट्स, आपके ID प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ, ठीक है, आपका सिग्नेचर कैसा है, तो उसका एक प्रूफ चाहिए होता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है इसको कहते हैं नो योर कस्टमर। ठीक है, इसकी मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच बैंक्स ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ द कस्टमर। ठीक है, इसको याद रखिए हमेशा, मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोसेस कोई भी, जिससे, जैसे मैंने आपको बताया आइडेंटिटी या फिर आपका एड्रेस के प्रूफ के लिए, ताकि ऐसा ना हो कल कि आपका बैंक अकाउंट है और कल कोई आपके ही नाम का, अगर सेम नाम है आपका, अगर नाम है फॉर एन एग्जाम्पल प्रकाश कुमार, कल किसी और का भी नाम प्रकाश कुमार हो सकता है, वो आपके बैंक में जाके पैसे निकाल सकता है। तो यही कि आपका, आप दिखते कैसे हैं, आपका सिग्नेचर कैसा है, आपका एड्रेस क्या है,
बैंक का कोई डिटेल, अगर आप बैंक का कोई स्टेटमेंट आपको मेल करना हो तो वो किस एड्रेस पे भेजेंगे, तो अगर कोई अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया तो आपका लोन के लिए वो कहाँ जाएंगे, रिकवरी के लिए कहाँ आएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसके लिए बैंक आपको आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ मांगती है ताकि कोई फ्रॉड ना हो सके, या फिर ऐसे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो उसके लिए भी काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि बैंक अकाउंट बना लेते हैं फिर उससे पैसे ट्रांसफ़र होते हैं यहाँ से वहाँ। तो ये कौन कर रहा है, कब कर रहा है, इसकी सारी सारी इन्फॉर्मेशन रखने के लिए और ये सब कुछ लीगल है या नहीं ये देखने के लिए जो करते हैं बैंक इन्फॉर्मेशन रखती है, इसके लिए रखती है KYC। ठीक है, दिस प्रोसेस हेल्प्स टू इंश्योर दैट बैंक सर्विसेज आर नॉट मिसयूज। बैंक्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पीरियोडिकली अपडेट दैट कस्टमर्स KYC डिटेल्स। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने पुराने कस्टमर हैं, आपका अकाउंट कैसा है, सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, किस प्रकार का अकाउंट है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसमें भी काफ़ी डिटेल्स हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक KYC क्या होता है उसके बारे में बता दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 key elements of KYC policy। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दूँ यहाँ 4 elements ऐसे होते हैं RBI ने बताए हैं। ठीक है, जो की एलिमेंट्स है KYC पॉलिसी के लिए, सबसे पहला है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस पॉलिसी मतलब कि आप किस प्रकार के कस्टमर हैं तो बैंक आपको एक्सेप्ट करती है, जैसे कि आपका अकाउंट आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो तो बैंक आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगी, उनके पास प्रूफ नहीं है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपने किसी भी अकाउंट पे आपने आप अगर पैसे जमा करा दिए फिर आपने पैसे कहीं से निकाल लिए तो आपके पास पैसा कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें के लिए कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी भी होती है। ठीक है, इसके लिए बैंक आपको एक आपने पढ़ा काफ़ी फॉर्म्स पे आप साइन करते हैं उस पर लिखा भी होता है आई डू एक्सेप्ट आई डू नॉट एक्सेप्ट ये सारी चीज़ें। तो आपको आपको एक चीज़ भी याद रखनी, कभी भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट अगर पढ़ रहे हैं उसको साइन कर रहे हैं तो कोई भी डॉक्यूमेंट थोड़ा समय लीजिए, उस डॉक्यूमेंट को पढ़िए उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी देखते हैं। और एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जस्ट एक पर्सनल मैसेज है, तो KYC के लिए या कभी भी आप कहीं किसी भी जगह एक सिम कार्ड लेने के लिए कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, पासवर्ड बनाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, कहीं पर भी कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो उसका अगर आप जेरोक्स निकाल रहे हैं तो उस पर आप साइन कीजिए, उस पर डेट लिखिए और उस पर ये भी मेंशन कीजिए वो किस लिए दिया गया है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, सिम कार्ड ले रहे हैं, ठीक है, तो उस पर लिखिए कि दिस इज़ फॉर अ सिम कार्ड फॉर दिस लाइक कोई कंपनी का नाम, उस कंपनी का नाम इस डेट पर दिया है मैंने और सिर्फ इसी चीज़ के लिए यूज़ होगा, ऐसा लिखिए उस पेपर पर। ठीक है, ताकि आपका वो डॉक्यूमेंट मिसयूज़ ना हो पाए। ठीक है, आप ये ज़रूर चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो ये है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी CAP। दूसरा है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स। ठीक है, तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर जैसे मैंने आपको बताया आइडेंटिफी प्रूफ जो होता है आपका कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं, पैन कार्ड होता है, पासवर्ड होता है, ऐसी काफ़ी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स होती है, उससे कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर कहाँ का है, कहाँ रहने वाला है, उसके एड्रेस, ID, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आता है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, मतलब कस्टमर के अकाउंट में कैसे कैसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। अगर फॉर एन एग्जांपल एक मामूली सा आदमी है, सैलरी पर्सन है, ठीक है, जिसका सैलरी आपको पता है, बैंक वालों को पता होती है हर महीने सैलरी आती है, तो 30,000-40,000 या उस पर्सन ने डिक्लेयर की होती है मैं यहाँ यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरा ये बिजनेस है, तो मैं इतनी इतनी चीज़ें या इतना इतना मेरा अकाउंट में ट्रांजैक्शन होता है। पर अगर आप एक नॉर्मल सैलरीड पर्सन है, आपके साल में आपके अकाउंट में साल में एक करीब करीब 40,000 रुपये हर महीने ट्रांसफ़र हो रहे हैं और अचानक से दूसरे या तीसरे साल में 1 करोड़ या फिर कुछ 1-2 करोड़ रुपये आपके अकाउंट में आ जाए, ठीक है, तो उसका मतलब है कि यहाँ कुछ फ्रॉड हो रहा है, यहाँ कुछ गलत है। ठीक है, अगर आपका सही है, आपने समझिए कोई आपने कोई ज़मीन थी आपकी ज़्यादा थी वो बेच दी और उससे पैसा आया, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कि ये पैसा कहाँ से आया ये मॉनिटर करना होता है। ठीक है, क्योंकि वो एक रिस्क बन जाता है, एक रिस्क फैक्टर बन जाता है बैंक के लिए, क्योंकि वो टैक्स और ये सारी चीज़ों में आता है। तो फोर्थ एलिमेंट है रिस्क मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें होती है कि अगर ऐसा कोई बड़ा ट्रांजैक्शन आ गया तो वो रिस्क मैनेजमेंट मतलब यही जो रिस्क है, बैंक को रिस्क है, कस्टमर को रिस्क है, तो ये रिस्क मैनेजमेंट मैनेज करना कि भाई कहाँ से आया, उसकी ब्रांच जांच करना, कस्टमर को फ़ोन करना, कस्टमर से पूछना, तो ये सारा जो होता है उसको रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये KYC पॉलिसी के अंदर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है 6 डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि 6 officially valid documents OVDs प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इसको भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ये 6 डॉक्यूमेंट है। पहले सबसे पहला है पासपोर्ट, फिर है पैन कार्ड, फिर है आधार कार्ड, फिर है नरेगा कार्ड, फिर है ड्राइविंग लाइसेंस, फिर है वोटर ID। तो ये 6 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो यूज़ होते हैं। अब पासपोर्ट है, जो पासपोर्ट दोस्तों आपको सभी बता दूँ, पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है
तो आप जैसे ही जितना जल्दी हो सके, हर किसी को पासपोर्ट बनवाना चाहिए। पासपोर्ट काफ़ी जगह यूज़फुल भी होता है, और कभी आप बता नहीं सकते आपको अपॉर्चुनिटी आ गई अगर कहीं बाहर देश जाने की या काम करने की, तो पासपोर्ट आपको ज़रूरी होता है। आप कहीं पे भी काम कर रहे हो तो आपकी कंपनी अगर ऑफर करेगी तो बहुत अच्छा ऑप्शन होता है पासपोर्ट भी, ठीक है। तो पासपोर्ट आप रख सकते हैं हमेशा। तो पासपोर्ट एक ऑप्शन है जो आप एड्रेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आइडेंटिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और सिग्नेचर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बैंक वाले पासपोर्ट हो तो पासपोर्ट का नंबर भी काफ़ी लोग मानते हैं, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। तो पैन कार्ड पे आप अगर देखें तो पैन कार्ड पे कभी एड्रेस नहीं होता, सिर्फ आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ होती है, तो वो आईडी प्रूफ हो गया वैसे, ठीक है। और आपका फोटो भी होता है, तो यहाँ पे फोटो नहीं है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए कि पैन कार्ड दिखता कैसा है, ठीक है। तो वो एक एग्जाम्पल है, तो ये आप याद रखिए। फिर है आधार कार्ड, आधार कार्ड पे आपका फोटो, आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें होती है। नरेगा कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस पे काफ़ी सारी चीज़ें, वोटर आईडी, ठीक है। काफ़ी स्टेट्स में अलग अलग रूल्स होते हैं, कहीं पे एड्रेस प्रूफ के लिए कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं माने जाते, कहीं पे माने जाते हैं। काफ़ी हर एक स्टेट का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लिस्ट है, आपको बता देते हैं एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब ये जो बैंक्स हैं, बैंक्स में कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आइडेंटिटी, सिग्नेचर, एड्रेस, ये तीन क्राइटेरियाज होते हैं, या तीन फील्ड्स आपको बता दूँ जिनमें ये डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं। सबसे पहला है सिग्नेचर इन प्रेजेंस ऑफ बीएम, बीएम मतलब ब्रांच मैनेजर, ठीक है। अब कोई ऐसा आदमी है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है गवर्नमेंट का, तो वो सिग्नेचर के लिए बैंक मैनेजर के साथ, ब्रांच मैनेजर के सामने एक साइन कर सकता है किसी एक पेपर डॉक्यूमेंट पे, उस पर लिखा होता है कि ये आपका अपना सिग्नेचर है, या जो थंबप्रिंट होता है वो भी कभी कभी यूज होता है, ठीक है। तो वो सिग्नेचर जो है, वो सिग्नेचर इन प्रेजेंस ऑफ बीएम अगर वो करे तो उसको मान्यता है, मान्यता प्राप्त है। फिर आता है पासपोर्ट, पासपोर्ट तो तीनों चीज़ों के लिए, जैसे आपको बताया, आइडेंटिटी, सिग्नेचर, एड्रेस। और कोई भी आईडी कार्ड जो गवर्नमेंट इशू होता है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको आईडी कार्ड दिया जाता है, तो उस पर लिखा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट विद दिस दिस डिपार्टमेंट विद दिस दिस ये डिपार्टमेंट, जैसे कोई वेदर डिपार्टमेंट हो गया, कोई और डिपार्टमेंट हो गया, तो आईटी डिपार्टमेंट हो गया, तो वहाँ से जो आईटी उनको प्रूफ मिलता है उस पर लिखा होता है सारी चीज़ें, उस पर सिग्नेचर, एड्रेस, सब कुछ होता है, ठीक है। तो वो तीनों चीज़ों के लिए माना जा सकता है। फिर पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड पे आइडेंटिटी और सिग्नेचर होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उस पर एड्रेस नहीं होता, ठीक है। तो पैन कार्ड उस चीज़ के लिए नहीं जाना जाता, ठीक है। फिर आ गया ड्राइविंग लाइसेंस, फिर वोटर आईडी, और फिर आ गया लेटर फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटी, आधार कार्ड, नरेगा, जॉब कार्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिटी और एड्रेस के लिए मानी जा सकती है, लेकिन सिग्नेचर नहीं होता इन पे, ठीक है। तो आप इनको भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पीरियोडिक अपडेशन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। व्हाई डज बैंक इंसिस्ट ऑन डूइंग केवाईसी अगेन? तो सबसे पहला फैक्टर इसमें है ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या है? एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिजनेस और पर्सन प्रायर टू साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट और एन एक्ट विद अ सर्टन स्टैंडर्ड ऑफ केयर, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको बता दूँ कि ड्यू डिलीजेंस का मतलब है कोई बैंक, आप जैसे मैंने आपको बताया कि CAP, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, तो उसके पहले एक इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है एक पर्सन आपके साथ, बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, ठीक है, कि मैं यहाँ यहाँ मैंने सब डिक्लेयर करूँगा, मेरा सारा पैसा जो है कहीं से भी फ्रॉड से नहीं आया, किसी गलत काम से, जैसे स्मगलिंग हो गया किसी चीज़ की, किसी चीज़ का मतलब आपने कुछ गलत चीज़ें, टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई, तो वहाँ से नहीं आया, मेरा सब वैलिड है, मैं कमाई करता हूँ अपनी, मेरा सब सफ़ेद धन है, सब मेरा हर चीज़ का डिक्लेरेशन है मेरे पास, तो उसको कहते हैं ड्यू डिलीजेंस। तो ये इन्वेस्टिगेशन जो होती है ये सारी चीज़ की, या बिजनेस की हो गई, ठीक है, बिजनेस में पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, कितना खर्च हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीज़ें, तो उसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। सेकेंड आता है पीरियोडिक अपडेशन। पीरियोडिक अपडेशन ये होता है तीन फैक्टर्स पे, रिस्क, कस्टमर पे, एक रिस्क होता है कस्टमर का। अब ये कस्टमर्स का जो लेवल होता है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो आपको बता दूं लो रिस्क कस्टमर क्या होता है। लो रिस्क कस्टमर मतलब कोई सिंपल पर्सन है, आम आदमी जैसा हो गया, आप और हमारे जैसे, जिसका एक सैलरी है, छोटी सी कंपनी काम कर रहा है, 20 से 30 हज़ार रुपये उसकी सैलरी है, हर महीने उतनी आती है, फिर उसमें से कुछ सेविंग करता है, तो उसके पास रिकॉर्ड है हर एक चीज़ का, तो उसको कहते हैं लो रिस्क कस्टमर्स। अब मीडियम रिस्क कस्टमर्स हैं जो है कि बिजनेस हो गए, ठीक है, बिजनेस हो गया जो काफ़ी हाई ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी 10 लाख के ऊपर का ट्रांजैक्शन हो गया, तो उसमें मीडियम रिस्क कस्टमर्स, उसमें कभी कभी फ्रॉड होने के भी चांसेस होते हैं, या कहीं पर भी एक जो मैन्यू छोटी बहुत चीज़ें होती हैं, तो अगर कंपनी कहीं शिफ्ट हो गई, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लो रिस्क कस्टमर का KYC होता है 10 साल में, मीडियम रिस्क का कस्टमर होता है 8 साल में, और हाई रिस्क कस्टमर उनका होता है 2 साल में। हाई रिस्क कस्टमर्स होते हैं जैसे कोई ये हो गया, एक नेता हो गया, या कोई भी ऐसा एक NGO होती है तो उनका हो गया, ठीक
क्योंकि वहां से कहाँ से पैसा आता है ये किसी को नहीं पता, कोई डोनेशन से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, वहां से आ रहा है, लेकिन वो पैसा आ रहा है ठीक है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता ज़्यादातर। आजकल जैसे मोदी जी ने अभी अनाउंस किया था, तो उसके बाद भी काफ़ी लोगों ने डोनेशंस के लिए ऑफर, डोनेशंस करने की कोशिश की एनजीओज़ में ठीक है, लेकिन वो नहीं एक्सेप्ट करा क्योंकि मोदी जी ने कुछ एक्ट भी निकाले थे उस समय ठीक है। तो वो हो जाता है हाई रिस्क कस्टमर्स ठीक है, जिनका केवाईसी होता है हर 2 साल में ठीक है। और एक आपसे बहुत दिल से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, जो नए नोट्स आए हैं अभी 500 और 1000, 500 और 2000 रुपये के सॉरी ठीक है, उन पे प्लीज़ 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 कुछ मत लिखिए ठीक है, पेन से, पेंसिल से, किसी भी चीज़ से कुछ मत लिखिए ठीक है। आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि ये इलीगल हो जाए, ताकि वो मनी ताकि वो नोट्स एक्सेप्ट ही ना हो, फिर भी अभी के लिए आप प्लीज़ उन पे कुछ मत लिखिए ठीक है। वो देश की करेंसी है, हमें उस आदत को मिटाना चाहिए, मिटाना चाहिए, वो एक ख़राब आदत है ठीक है। काफ़ी पैसा उसमें वेस्ट हो जाता है एटीएम्स में, अगर आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, एटीएम्स में वो पैसा यूज़ नहीं होता ठीक है। तो प्लीज़ प्लीज़ उनको नोट्स पे कुछ मत लिखिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको आपको बता दूं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द अपीयरेंस दैट लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीरियस क्राइम्स सच एज ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिस्ट एक्टिविटी ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लेजिटिमेट सोर्स ठीक है। आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक फ्लो चार्ट भी दिख रहा होगा ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट में मैं एक्सप्लेन करूँगा, और ये पिक्चर जो है इसे भी एक्सप्लेन करूँगा ये क्या है ठीक है। सबसे पहले ब्लैक मनी आता है किसी के पास भी ठीक है, आप समझ लीजिए कोई नेता है जिसके पास ब्लैक मनी आ गया ठीक है, कि ये प्रोजेक्ट आप सैंक्शन कर दीजिए, हमारा ये प्रोजेक्ट है आप ये कर दीजिए, या फिर नेता उनसे मांगता है कि हमारी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए तो आप हमें पैसा दीजिए, तब हम आपके जा जब हमारी सरकार आएगी तब हम आपका ख्याल रखेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ब्लैक मनी होता है तब जब आता है कैश में, तो फिर वो मल्टीपल अकाउंट्स में, मतलब क्या होता है कि कोई नहीं नेता, आप देखते होंगे काफ़ी एग्जाम्पल्स में, खुद के नाम पे कभी अकाउंट नहीं खुलाते ज़्यादातर ठीक है, अपने रिलेटिव्स हो गए, अपने कजिन्स हो गए, उनके बेटे हो गए, इन सब के नाम पे, अपने ड्राइवर्स हो गए उनके नाम पे अकाउंट खुलवा लेते हैं ठीक है, और उनके अकाउंट में पैसे रखते हैं, उनके नाम पे फ्लैट ले लेते हैं, उनके नाम पे घर ले लेते हैं, उनके नाम पे गाड़ियाँ ले लेते हैं। तो ये सारा ब्लैक मनी होता है। कैसे होता है, उनके नाम पे अकाउंट खोलेंगे पहले, फिर उसमें मल्टीपल अकाउंट्स में पैसे डालेंगे अलग अलग जगह पे, क्योंकि एक जगह डाल दिए तो उसमें एक पॉइंट नोटिस आ जाएंगे कि नहीं क्या ये एक जगह पे, तो वो ट्रैक करने के लिए ईजी हो जाता है, इसलिए मल्टीपल अकाउंट्स में पैसे डालेंगे, फिर उनको ट्रांसफ़र करेंगे किसी एक अकाउंट में, या यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे कि भाई यहाँ से मेरे को पैसा आया, इसने मुझे पैसा दिया, इसी चीज़ का ये पैसा बाकी था, तो वो ट्रांसफ़र करेंगे, फिर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे कहीं गाड़ियों में, घर में, बंगलों में ठीक है। तो उस तरीके से इसको ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है ठीक है। तो टिपिकल मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम जो है, ये इमेज जो आप देख रहे हैं ठीक है, इसमें आपको बता दूँ कि सबसे पहले प्लेसमेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया बैंक में पैसा डालेंगे, फिर वायर ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब नेट से ट्रांजैक्शन करके उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, और फिर वो इन्वेस्ट करेंगे किसी भी चीज़ में, हो गया गाड़ी में, हो गया आपके घर में, हो गया या कहीं घूमने जाना हो तो उसमें हो गया ठीक है। तो उसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग ठीक है। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग मिटाने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट निकाला है इंडियन गवर्नमेंट ने ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये लॉ एक्ट कब निकला था, 2002 में, इसको कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 ठीक है। अब ये एक्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ, इट इज़ अ एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एनएक्टेड टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टू प्रोवाइड फॉर कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना ठीक है, कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक ट्रांजेक्शन हो या क्लियर ट्रांजेक्शन हो ठीक है, इन चीज़ के लिए। और दूसरी चीज़ कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, जैसे घर हो गया, या कहीं आप फॉरेन जगह पे, किसी और कंट्री में आप जगह ले रहे हो, कोई कंपनी खोल रहे हो, तो उसको प्रॉपर्टी को डिराइव करना, कॉन्फिस्केट करना, मतलब कॉन्फिस्केट मतलब होता है उसको उसको कॉन्फिस्केट का मतलब होता है कि उसको अपने अंदर ले लेना, अंदर ले लेना, उसको गवर्नमेंट उस पर एक बैन लगा देती है। जैसे विजय माल्या जी का हो गया, उन्होंने लोन लिया था तो उस प्रॉपर्टी को उन्होंने सील कर दिया, तो प्रॉपर्टी डिराइव फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग, उसको कॉन्फिस्केट का वो मतलब होता है। अब अमेंडमेंट्स आ गया इसमें 2005, 2009, 2012, 2015। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है चेंज दोस्तों, अब लॉ में कोई चेंज आ गया, छोटी मोटी चीज़ लॉ में गलत है या उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं उसका, तो ये छोटी छोटी जो चेंजेस आते हैं वो 4 बार आ चुके हैं इसमें, 2005, 2009, 2012, 2015 ठीक है। तो आपको बता देता हूँ, अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीएमएलए, पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ठीक है। इसमें तीन ऑब्जेक्टिव है, इसके बेसिक और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे आपको पहले बता दिया, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग, टू कॉन्फिस्केट एंड सीज द प्रॉपर्टी ऑब्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्रेड मनी, एंड टू डील विद एनी अदर इशू कनेक्टेड विद द मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया ठीक है। तो आप इसको याद रखना है
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, FIUIND, ठीक है। जैसे क्राइम को बचाने के लिए क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट या CI या FBI या CBI या CID, ये जो सारी चीज़ें होती है इंडिया में या बाहर देशों में, वैसे ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये जो यूनिट है ये सारी चीज़ें चेक करता है। जैसे आपका कोई ट्रांजैक्शन हो गया, किसी ने कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करा हो, तो ये सारे ट्रांजैक्शन पर जो एक ध्यान रखने के लिए, एक नज़र रखने के लिए एक यूनिट बनाया हुआ, उसे कहते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, ठीक है। सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 18th नवंबर 2004 एज द सेंट्रल एंड नेशनल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड डिसमेंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो 18 नवंबर 2004 को इसका इनॉग्रेशन हुआ था, ठीक है। तो ये सारी की जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास आते हैं, जो रिपोर्ट्स उनके पास आती हैं, उसके बेस पे ये लोग चेक करते हैं क्या सही है, क्या सही, क्या क्या गलत है, कहाँ मनी लॉन्डर हो रहा है, कहाँ हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस पर ध्यान रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करी गई है। इसके डायरेक्टर जो हैं उनका नाम है श्री पंकज कुमार मिश्रा, ये IRS 1989 के बैच के हैं, ये ज्वाइन एज डायरेक्टर रिसेंटली, ये ज्वाइन हुए 7 जून 2016 इसी साल, ठीक है। श्री पंकज कुमार मिश्रा IRS 1989 ज्वाइन एज डायरेक्टर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU इंडिया विद इफेक्टिव फ्रॉम 7 जून 2016, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप FIU के क्या फंक्शंस होते हैं ये अभी आपको बता दूं। इनके पास जो भी रिपोर्ट्स आती हैं, सबसे पहले कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट CTRs, मतलब कोई कैश ट्रांजैक्शन हुआ है बड़ा, जो भी 10 लाख के ऊपर जो कैश ट्रांजैक्शन होता है उसकी रिपोर्ट इनके पास जाती है हर बैंक से, ठीक है। फिर उसके बाद क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट्स। अब ऐसे देश हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, मतलब यहाँ से सीरिया या पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल, किसी भी देश ऐसा नहीं कि जो प्रोहिबिटेड, या फिर ऐसा भी देश जहाँ पे काफ़ी अमाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफ़र रिपोर्ट्स जो है तो वो अब ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसकी भी जानकारी लिए जाते, उसकी भी जानकारी, उनके भी रिपोर्ट्स इनके पास जाते हैं। रिपोर्ट्स ऑन परचेस और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब क्या हो गया, तो जैसे आपको बताया कि कोई घर हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई जैसे एक मॉल हो गया, तो ये सारी चीज़ें होती जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो वो आपने ख़रीदा या बेचा, तो उनकी जो रिपोर्ट्स होते हैं उन वो भी इनके पास जाती हैं। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स फ्रॉम वेरियस रिपोर्टिंग एंटिटीज़, जैसे कि जैसे आपको फर्स्ट एग्जांपल बताया था, कोई भी अगर एक छोटा सा बिजनेस है जिनका ट्रांजैक्शन 1-2 लाख हो रहा था या 10 लाख तक हो रहा था पहले साल में, अचानक उनके नेक्स्ट ईयर में उनका जो 3-4 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन हो गया, तो कहाँ से हुआ, कैसे उनका प्रोडक्शन इतना है क्या, तो ये सारी चीज़ों की रिपोर्ट्स इनके पास जाते हैं। तो ये FIU जो इंडिया है ये ऑर्गेनाइजेशन उसको चेक करती है, ठीक है, और इसकी बेसिस पे इस जांच वगैरह करती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा KYC और AML, ठीक है, नो योर कस्टमर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर ये हमारा वीडियो था आज का, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमें कॉमेंट्स में ज़रूर लिखिए, हमें बहुत खुशी होती है जब हमें कोई इंकरेज करता है, कोई किसी का भी कॉमेंट आता है। अगर आपको कोई सुझाव हो या कोई भी सवाल हो तो वो उसे भी आप कॉमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो उसे ज़रूर शेयर कीजिए, शेयर का नीचे एक ऑप्शन होगा, वीडियो के नीचे एक छोटा सा एरो आपको दिखेगा, उसे आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, जिनको आप चाहते हैं कि वो भी इसके बारे में जाने, ठीक है। चैनल अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। हमारा जो सब्सक्राइब का आइकन दिख रहा है राइट साइड में गोल वाला स्टडी कैप्सूल वाला, उसे भी क्लिक कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। आप हमें मेल कर सकते हैं studycapsule15@gmail.com और हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/studiescapsule। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट दोस्तों, होप यू हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।